सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, क्या आप अपने इंस्टाग्राम की पुरानी से पुरानी अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं विदाउट नंबर एंड जीमेल के? अगर आपको जीमेल नंबर याद नहीं है, आपका नंबर जीमेल गुम हो चुका है, दूसरा फ़ोन ले चुके हो, फिर भी आपको अगर अपनी पुरानी आईडी ओपन करना है, अपने इंस्टाग्राम के अंदर अपनी इंस्टा अकाउंट को ओपन करना है, लॉगिन करना है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा आप अपने इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी को बिना पासवर्ड, बिना नंबर, बिना मोबाइल ईमेल के आप कैसे लॉगिन कर सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहना, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता होगा, जैसे ही आप इंस्टाग्राम को ओपन करते होंगे, देन आपको यहाँ पे क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल और नंबर, इस तरह का ऑप्शन आपके सामने मिलता है, पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको पासवर्ड नंबर कुछ नहीं पता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है गाइज, यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड इस तरह का ऑप्शन मिलता है, फॉरगेट पासवर्ड का, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक आप जैसे ही करते हो गाइज, आपके सामने फाइंड योर अकाउंट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है यूजर नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, अगर आपको अगर यूजर नेम पता है तो बहुत ही आसानी से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, बैक वापस से लॉगिन कर सकते हो पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट को। अगर आपको ईमेल नंबर नहीं पता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ अपने इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी को अपने यूजर नेम के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कर देना। आपको क्या करना है, जिस तरह का ऑप्शन आपके सामने मिल जाता है तो आपको यूजर नेम आपको फिलअप कर देना है यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का। अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम जैसे ही आप फिलअप करते हो, कंटिन्यू का एक बटन देखने को मिलता है, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो। सो गाइज, जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, हमारे अकाउंट में इस तरह का ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए न्यू पासवर्ड। अब यहाँ से मैं बहुत ही आसानी से अपना न्यू पासवर्ड बना सकता हूँ, ओल्ड पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइज, काफ़ी सारे लोग का यहाँ पे डाउट होता है, काफ़ी सारे लोग का प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे उनका जीमेल नंबर यहाँ पे शो हो जाता है, तो उन पर OTP आता है, कन्फर्मेशन कोड आता है, तभी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर पाते होंगे। लेकिन आपका जीमेल नंबर कुछ भी आपको नहीं पता है, आपका यहाँ पे लॉगिन ही नहीं है जीमेल अकाउंट, और नंबर आपने बदल दिया है, फिर भी आप अपने अकाउंट को कैसे लॉगिन कर सकते हो? बस आपको इतना करना है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ए न्यू पासवर्ड पर क्लिक करना है और अपना एक न्यू पासवर्ड बना लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। और पासवर्ड बनाने के बाद गाइस, नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट आप ले करके कहीं पे रख सकते हो, नोटबुक में लिख करके रख सकते हो, लाइफ में यहाँ पे इन फ्यूचर कभी भी आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू। अब यहाँ पर गाइस, जैसे ही आप पासवर्ड को फिलअप कर लेते हो, कंटिन्यू का एक बटन देखने को मिल जाता है, तो आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो गाइस, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस तो हो जाएगा, यहाँ पर आपका लोडिंग लेगा, आपको वेट कर लेना है 2 सेकंड। जैसे ही वेट करते हो गाइस, आपके सामने इस तरह का प्रोसेस आ जाएगा और आपका अकाउंट बहुत ही आसानी से लॉगिन हो जाएगा कुछ इस तरह का। जैसे मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, बिना पासवर्ड, बिना नंबर, बिना जीमेल के मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर चुका हूँ। कुछ इस तरह से आप भी अपनी पुरानी से पुरानी इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन कर सकते हो विदाउट ईमेल नंबर के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आओगा। यस, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइज। कोई डाउट रह जाता है या फिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा है, पुराने से पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।